ये देखिए अभी मैं पीछे स्कूल के लिए तैयार, बिल्कुल रेडी, और बस आने वाली है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और आज तो ऐसा लग रहा है कि पूरे पार्क में बस हम ही हमें, कोई नहीं आया हुआ है, मतलब योगा वाले भी नहीं आए। तो मोटिवेशन को खुद ही बनाना है, सेल्फ मोटिवेशन। कब तक चलेगा ये, क्योंकि सर्दी आज थोड़ी सी बढ़ चुकी है। भागते हैं। माय गॉड, मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो टनल का काम चल रहा है, उस टनल में जो लोग 41 लोग, पता लग रहा है कि 41 लोग फंसे हुए हैं, और वो 41 के 41 लोग सेफ हैं, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है, 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि वो फंसे हुए हैं। फिलहाल हमें तो ज़रूरत है थोड़ा ज्ञान सुनने की। मुझे लगा थोड़ी देर आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा जो व्लॉग है वो तो आएंगे नहीं, और आपके साथ मुलाकातें भी नहीं हो पाएगी। तो काफ़ी मुश्किल होता है सफ़र। बहुत आसान है कहना कि मैं व्लॉगिंग करूँगा और वीडियोस डालूँगा रोज़, लेकिन आपको अपनी डेली लाइफ की सारे काम भी करने हैं, आपको हर काम करना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, घर, ऑफिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट में होते हुए अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, तो मैंने तो आज तक देखा नहीं है जो बंदा डेली व्लॉगिंग कर रहा है और वो जॉब भी कर रहा है, कॉर्पोरेट में है। तो मैं तो इस बात से ही सेटिस्फाई हूँ कि चल यार, कम से कम मैंने ये काम तो किया, क्योंकि बहुत मुश्किल था। जब मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, तो मुझे लगता था मैं वीडियो में दिखाऊँगा क्या, करूँगा क्या। मुझे पता है वैसे भी मैं बहुत कुछ नहीं दिखा पाता वीकडेज़ में, लेकिन कंटिन्यूटी रख पाया वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। और बाकी वीकेंड पे तो होता ही है कुछ ना कुछ नया, आना जाना, घूमना फिरना, तो वो सब चलता रहता है। और उसके पहले भी एक चैलेंज और था कि भाई वीडियो बनाएगा कौन, क्योंकि व्लॉगिंग में आपको लगता है कि आप घर वालों से मदद ले लो, कोई आपकी वीडियो बना दे, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। मुझे समझ में आ गया भाई, कैमरा पकड़ के खुद व्लॉगिंग करनी पड़ेगी, तब होगी व्लॉगिंग, वो भी डेली व्लॉगिंग, नहीं तो अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ठीक है, चैलेंजिंग रहा सफ़र, क्योंकि रात को पार्टीज से आने के बाद रात को 1 बजे 2 बजे, कई बार तो 3-3, 4-4 बजे तक एडिटिंग चालू रही है, और कई बार तो आधी एडिटिंग आधा अपलोड सुबह 5 बजे 7 बजे, मतलब उठ उठ के नींद में एडिट किया गया है। खुशी है इस बात की कि इतना सब कुछ किया। फिलहाल बहुत कुछ करना है, ब्लॉगिंग ही नहीं है, इसके साथ भी बहुत कुछ है, उसके लिए ही मुझे ये विराम लेना पड़ेगा। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। Thank you.
भाई साहब आज ऑफिस के बाद निकल कर आ गए बाहर और आप देख ही सकते हैं कि कहाँ घूम रहा हूँ मैं, वादियों में, होटल में, पार्टी कर रहे हैं, डांस हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अपना तो इन सब चीज़ों से लेना देना ही नहीं है कुछ। अब ये देखिए क्या डेकोरेशन देखिए, है ना, दिवाली चली गई लेकिन डेकोरेशन अभी भी है, पूरा फुल ऑन लगा हुआ है, क्या बात है। अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं वैले को बोल दिया है गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में। बाय 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 बाय, गाड़ी आ गई। ओ भाई साहब, ये जगह तो बिल्कुल ही अलग लग रही है, मतलब कि लग नहीं रहा है कि ये दिल्ली NCR या एरो सिटी है। एरो सिटी में वैसे मैं पहले भी बहुत बार आया हूँ, लेकिन जितनी बार आता हूँ उतनी बार लगता है कि हाँ कुछ तो है। और फिलहाल रास्ता भूल गया हूँ, कहाँ जाना है, शायद इधर ही जाना है। ओ माई गॉड, मैप लगाते हैं, मैप मैप मैप। ओ अलॉफ्ट, अलॉफ्ट होटल्स कोटक, मतलब जो जो देखते जाओ ऐसा लगता है कि दिवाली अच्छी यही मना रहे हैं, फुल सेलिब्रेशन। आइबिस होटल है ना, जब मुझे कितना दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है ये अब 32 मिनट, रात को 10:32 पे पहुंच जाऊंगा। 32 नहीं लिखा भाई, 23 लिखा है, ध्यान से पढ़ो। ओके, तो आज तो बहुत दिनों बाद कहीं बाहर निकले और ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही नज़ारा नज़र आ रहा है, और ये जगह तो बहुत ही हैपनिंग लग रही है। होटल ज़्यादा है यहाँ पे, कॉन्फ्रेंसेस, पार्टीज, मीटिंग्स, हॉलीडे इन, क्या बात है, यही सब है। फिलहाल चलते हैं घर, घर चल के तो मुझे लगता नहीं कि कोई और वार्तालाप आपके साथ हो पाएगी, और देखते देखते व्लॉगिंग के दिन भी बहुत कम होते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में व्लॉगिंग जो है रुक जाएगी, आपको रीज़न पता ही होगा क्यों। ओह, टर्न लेना है, बाद में मिलता हूँ, सी यू।